अनंतनाग में आतंकियों ने टेरिटोरियल आर्मी के दो जवानों का अपहरण कर लिया है, जिसमें से एक चकमा देकर वापस आ गया है। फिलहाल सुरक्षा बल इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। बड़े पैमाने पर यह सर्च अभियान चलाया गया है। अनंतनाग से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां टेरिटोरियल आर्मी के दो जवानों को अगवा किया है आतंकियों ने। एक जवान सुरक्षित वापस आ गया है, आतंकवादियों को चकमा देकर वो वापस लौट आया है और सुरक्षा बल लापता जवान की तलाश में जुटे हुए हैं। सुरक्षा बल लापता जवान की तलाश कर रहे हैं और इसी को लेकर बड़े पैमाने पर इलाके में सर्च अभियान भी चला दिया गया है, शुरू कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक पाकिस्तानी घुसपैठिया जम्मू के मकवाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पकड़ा गया है, तो वहीं अनंतनाग में भी आतंकवादियों द्वारा टेरिटोरियल आर्मी के दो जवानों का अपहरण किया गया है। एक जवान हालांकि सुरक्षित वापस आ गया, आतंकवादियों को चकमा देकर एक जवान वापस आ गया है और उसी के इनपुट्स के आधार पर माना यह जा रहा है कि दूसरे जवान की तलाश की जा रही है। सुरक्षा बलों द्वारा लापता जवान की तलाश की जा रही है। मुदस्सिर कादरी हमारे सहयोगी अनंतनाग से ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, जो जवान चकमा देकर आतंकवादियों को वापस लौटा है, क्या उसी से पूछताछ की जा रही है और उन्हीं के इनपुट्स के आधार पर दूसरे जो लापता जवान है उनकी तलाश जारी है? हाँ बिल्कुल जासिर, मैं आपको बता दूं कि ये शांगस कोकरनाग जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ का जो रेंज है, तो वहाँ पर ये बताया जा रहा है कि दो टेरिटोरियल आर्मी के जवान जो है उनको कल मिलिटेंटों की तरफ से अगवा करने की जो है कोशिश की गई, लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि एक जवान जो है वो चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि वो इंजर्ड कंडीशन में पुलिस को मिला है और जिसके बाद उसको बेस हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और जहां पर उसका जो ये ट्रीटमेंट है वो शुरू कर दिया गया है। और इसके बाद जिस तरह से पुलिस की अगर हम बात करेंगे या फिर सिक्योरिटी फोर्सेज या आर्मी की तरफ से इस बात की कोई पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है और कुछ भी कहना इस हवाले से कबल वक्त होगा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो जवान है ये फॉरेस्ट एरिया में थे जब ये घटना घट गई है। और उसके बाद ये भी बात सही है कि एक मैसिव सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, इस पूरे एरिया को जो है घेरे में ले लिया गया है आर्मी की तरफ से, सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से और पुलिस की तरफ से, और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो लापता जवान है उसका सुराग कहीं ना कहीं। लेकिन मुदस्सिर, बड़ा सवाल ये है कि टेरिटोरियल आर्मी के इन जवानों को इतनी आसानी से आतंकवादी अगवा करके लेकर जाते हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है सिक्योरिटी पर भी, और साथ ही साथ जिस तरह से अगवाई की ये पूरी वारदात सामने आई है जवानों की, ये सवाल कहीं ना कहीं लाजमी हो जाता है कि आतंकवादी किस कदर यहाँ की जो टोपोग्राफी है, यहाँ की जो जवान कहाँ पर मौजूद हो सकते हैं, ये तमाम चीजें, ये तमाम जानकारियां आतंकवादियों के पास हैं कि इतनी आसानी से दो जवानों को, टेरिटोरियल आर्मी के दो जवानों को अगवा कर अपने साथ ले जाते हैं? हाँ देखिए जासमीन, आपका कहना भी सही है, लेकिन जिस तरह से हमने कहा कि पुलिस की तरफ से इस बात की कोई तस्दीक नहीं हो पाई है, ना ही ट्वीट आया है, ना ही कोई स्टेटमेंट आई है, लेकिन ये बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस वक्त ये अगवा किए गए हैं, क्योंकि दोनों जो है लोकल स्थानीय है और ये उस वक्त ऑन ड्यूटी नहीं हो सकते हैं या फिर वर्दी में नहीं होंगे, तो ये एज कॉमन जो है लोग वहां से निकले होंगे, वहां कुछ काम की गर्ज। ठीक है मुदस्सिर, यानी काबिल अज वक्त होगा अभी ये कहना कि वाकई अगवा किया है या फिर किसी तरह का कोई और मामला सामने आया है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि पुलिस की तरफ से, आर्मी की तरफ से अभी किसी तरह की कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की गई है, तो वाकई ये काबिल अज़ वक्त होगा। मुदस्सिर, आप नजर बना के रखें, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।